हंड्रेड रूपल्स, मतलब भाई 2500 रूपल लगेगा सिर्फ मेरे बाल काटने के और क्या कहते हैं बियर्ड सेट करने के। हो सकता है ये पुराने जमाने में भाई किसी का किला वगैरह हो सकता है। 100 रूपल्स, मतलब भाई 2500 रूपल लगेगा सिर्फ मेरे बाल काटने के और क्या कहते हैं बियर्ड सेट करने के। हो सकता है ये पुराने जमाने में भाई किसी का किला वगैरह हो सकता है। क्या हाल है भाई आप लोग, क्या आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं भी बढ़िया। एक नॉर्मल सा व्लॉग होने वाला है कि भाई यहाँ की स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग कि भाई क्या है। वैसे मैं जा रहा था ये सालों में कि भाई बियर्ड वगैरह सेट करवा लेता हूँ, थोड़ा सा हेयर कट करवा लेता हूँ, देखते हैं यहाँ के चार्जेस भी पता लग जाएंगे। भाई ये पीछे मेरे दिख रहा होगा एक MG लैब करके है भाई, इसमें मैं गया था भाई, इन्होंने मेरे को चार्ज बताया है 2500 रूपल्स, मतलब भाई 2500 रूपल लगेगा सिर्फ मेरे बाल काटने के और क्या कहते हैं बियर्ड सेट करने के। और उसमें भी कह रहे हैं कि आपको या तो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं आप पहले, और चलो नहीं लिया तो हम अभी कर देंगे, लेकिन इतना चार्ज लगेगा भाई, दिस इज़ सो एक्सपेंसिव। तो मैंने तो बोला कि ठीक है भाई, आई विल थिंक अबाउट इट। अगर यार 2500 रुपये ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, ट्रिप कैसे कंप्लीट होगी। तो इसीलिए मैंने तो मना कर दिया इनको। बाकी यहाँ पे ना किसी और से पूछूंगा मैं, हॉस्टल में अगर कोई मेरे को बता दे कि भाई कहीं पे कम पैसों में हो जाता है तो ठीक है। एक तो मैंने भी गलती करी कि मैं घर से अपना ट्रिमर वगैरह नहीं लाया, मेरे को ले आना चाहिए था। इससे अच्छा तो वही ज़्यादा सही रहता कि मैं ट्रिमर ले आता तो प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को। चलो कोई बात नहीं। बाकी दोपहर में कुछ ऐसा सा नज़ारा है, देख सकते हो अभी 3 बजने वाले हैं और ऐसा कुछ है। वैसे आज गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी लग रही है, मेरे को तो पसीने आ रहे हैं अभी से। फिर बाकी आज सोचा हुआ है कि आज रात में जाऊँगा यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूँगा कि भाई कैसी होती है, इसलिए सोचा था कि भाई थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग वगैरह सही कर लेते हैं, लेकिन लग नहीं रहा मेरे को कि मैं अपनी ग्रूमिंग ठीक कर पाऊँगा। पर चलो कोई बात नहीं, जो होगा यार देखा जाएगा, खाली यही तो देखना कि क्या होता है कैसा होता है, देखेंगे। वैसे यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है मॉस्को के अकॉर्डिंग, लेकिन फ़िलहाल मॉस्को में ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर है, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि अभी ना यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एयर में, इस कारण से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो गई है। वैसे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे हमेशा ठंड मिलेगी, गर्मियों में भी काफ़ी ठंड होती है। जबकि मैं जब रात में आया था मेरे को तब भी ठंड नहीं लग रही थी, और हॉस्टल में तो मेरे को गर्मी लग रही थी रात को। ऐसा हाल है, मतलब शायद हो सकता है पहली बार ही हो रहा होगा यहाँ पे, पहली या दूसरी बार कि भाई यहाँ पे गर्मी लग रही है सेंट पीटर्सबर्ग में। और नहीं तो अगर यहाँ पे भाई सर्दियों में आओ तो भाई सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है, -20 -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे जैसा बंदे को सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, देख सकते हो। बाकी एक नॉर्मल सी स्ट्रीट है, देखो खाली सी दिख रही होगी, बस थोड़ी मेन रोड की तरफ से थोड़ा सा लोग बाग घूमते हैं, बाकी इस तरफ तो ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, दिख ही नहीं रहे। बाकी हर तरफ अगर आप देखो तो यही पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, होंगे भाई 100-200 साल तो कहीं नहीं जा रहे इन बिल्डिंगों के, इतनी पुरानी होगी। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल की ओर, वहाँ पे उनसे पूछूँगा, कोई मिलता है तो ठीक है सामने, अदरवाइज़ फिर शाम को भाई जाएंगे अपन नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। कितनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, आई गेस अब तो ये कोई अपार्टमेंट्स वगैरह बन गए हैं। हो सकता है ये पुराने ज़माने में भाई किसी का किला वगैरह हो सकता है, तो जो कोई राजा रहता हो यहाँ पे या कोई बहुत बड़ा आदमी रहता होगा यहाँ पे। देख रहे हो कितना बड़ा है ये, बहुत मैसिव है, बिल्कुल रेड उसमें ब्रिक्स में बना हुआ है, ब्रिक्स डिज़ाइन में। और ऊपर की रूफ भी देख सकते हो, ये इस तरीके से बना रखी है जैसे झोपड़ी टाइप होती है ना हमारे बोलते हैं, तो इसका ये इसीलिए बनाई जाती थी कि जिससे कि अगर बर्फ़ पड़े तो बर्फ़ नीचे गिर जाए, ऊपर छत पे ही ना रहे, जिससे कि छत ख़राब ना हो और फिर जो घर है वो भी ज़्यादा ठंडा ना रहे। और ये ऊपर आप वो देख सकते हो सारे चिमनीज होंगी यहाँ पे कनेक्टेड, जिससे कि घर में वो रह सके, मतलब गर्मी रह सके बनी हुई, अदरवाइज़ यहाँ पे तो ठंड इतनी होती है बंदा ठंड से ही मर जाएगा। तो देख रहे हो इसके गेट भी है, कितने हैवी गेट लगे हुए हैं इसमें, अब पता नहीं कौन रहता होगा यहाँ पे, लेकिन लग बहुत सही रहा है ये। तो यार अभी मैंने ये यैंडेक्स मैप में देखा है और एक सालों शॉप है कोई, तो उस पर जा रहा हूँ, उसके रेट थोड़े कम से दिख रहे थे, बाकी तो वहीं जाके पता लगेगा। अब ये नहीं पता कि वो मेल्स है या फीमेल्स के लिए, अभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता मेरे को, अभी देखते हैं कि क्या होता है।
वहाँ पे जाके ही पता लगेगा। और बाकी यहाँ पे हॉस्टल में एक और भाई है, दीमा नाम है उनका, वो ट्वेर से बिलोंग करते हैं रशिया में, तो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। वो शाम को यहाँ पार्टी में जाने वाले हैं कहीं पे, पार्टी स्ट्रीट है, तो वो कह रहे थे कि तुम भी चलो, तुम्हारे यहाँ पे वैसे भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है तो तुम मेरे साथ चलना। वो अपनी वाइफ के साथ है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो अकेले जाने से बेटर है कि भाई किसी के साथ ही चले जाओ, कोई भाई यहाँ पे हेल्प ही कर देगा आने जाने में जो स्ट्रीट्स है। ऊपर से वो रशियन है तो उन्हें रशियन आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो भाई मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और भाई कोई लूटेगा भी नहीं मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। हाँ, जो स्कैम्स होते हैं इसके मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई रशिया में स्कैम कैसे चलता है, टूरिस्ट के साथ क्या क्या स्कैम होता है यहाँ पे। सेम लाइक जो भाई टूरिस्ट जो दिल्ली में स्कैम होता है ना टूरिस्ट के साथ या फॉरनर्स के साथ, सेम वैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ पे भी होता है, लेकिन अलग तरीके से। उसकी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है? तो अभी वहाँ चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसी थी बार्बर शॉप, क्या रहा एक्सपीरियंस। और यार जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो बिल्डिंग्स हैं जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ या फिर यहाँ पे जो आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, तो मैंने बोला था कि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, बट ऐसा नहीं है। ये बनाई गई थी 1050 के आसपास में, मतलब सोच रहे हो जब कौन सा सन था, 1050 सन चल रहा था, मतलब आज से लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये सिटी। सोचो उस वक्त के लोगों ने ये सब डिज़ाइन किया हुआ भाई यहाँ पे, जो कि आज तक टिका हुआ है, स्टेबल है, चाहे कितना भूकंप आ गया हो, कितनी वॉर देखी होगी इन जगहों ने, अभी तक भूकंप भी देखे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ हुई होगी यहाँ पे, बट स्टिल ये सब कुछ एकदम टिका हुआ है और इसमें खरोच तक नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मेंटेन करते होंगे ये लोग, बट स्टिल काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रखा है भाई, बना रखा है अभी भी। और सोचो उस वक्त क्या आर्किटेक्चर ही होती थी, इतना सही से इन्होंने जो डिज़ाइन कर रखा है। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारे ना बाइकर्स भी चलते हैं, मतलब को फैंसी फैंसी बाइक लिए हुए चलते हैं वो लोग, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जो गैंगस्टर टाइप होते हैं, जो बाइक माफिया होता है, सेम वैसा ही होता है। लेकिन भाई उनसे ना कभी भी यहाँ पे पंगे मत लेना, यहाँ पे बाइकर से कोई पंगे वंगे नहीं लेता। वैसे वो किसी को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते, वो अपना जाते हैं, लेकिन हाँ ये है उनके साथ खुद ही स्टार्ट नहीं होना तो कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सही होते हैं। देखो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी यहाँ पे जगह जगह से, बाइक वाले जाते रहेंगे, लेकिन वही अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे तो वो खुद कुछ बोलेंगे ही नहीं, बहुत सही रहते हैं, बस खुद ही पंगे नहीं लेने। बाकी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, बूंदें टपक रही हैं, यार मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं, पर अभी भी लगभग 100 मीटर जाना रह रहा है। अब अगर बारिश हो जाएगी तो मैं यार वापस हॉस्टल नहीं जा पाऊँगा, ना तो मेरे पास छाता है ना कुछ है, और ठंड भी हो जाएगी बारिश हो जाएगी तो बस फटाफट पहुंच जाएं यार बारिश से पहले। इन देशों का वैसे कुछ नहीं भरोसा रहता है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है।
और ये है बाबर शॉप। चलो भाई, वो कटिंग तो हो गई है। वैसे इन्होंने मेरे को बोला था कि 700 रुपए लगेंगे, लेकिन जब मैं वापस आया तो इन्होंने मेरे को बोला कि 500 रुपए ही हुए हैं। तो भाई ये सही है, मैं तो चलो 700 में ही मान गया था, तो सही है, 500 में हो गया एटलीस्ट। कहाँ वहाँ पे 2500 देना पड़ता, तो भाई 2500 से तो बेटर ही है कि भाई 500 में काम हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई, हाँ वो अलग बात है, उसकी जो शॉप थी वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई एंड थी, लैविश वाली सी थी, पर भाई अपने को क्या करना है, बाल ही तो कटवाने थे खाली वहाँ पे, और क्या, ऐसा तो है नहीं कि वह भाई वो मेरे को वहाँ पे लंच भी करवाता, लंच करवाता तो भी बात थी। छोड़ो, ये हो गया, चलते हैं हॉस्टल की ओर। फास्ट फूड का कॉर्नर है तो यहीं पे आ जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे। देख सकते हो तो मैंने, हेलो, व्हाट इज दिस, दिस इज रोल, रोल रोल, ओके, दिस इज शॉर्मा, हाँ शॉर्मा, ओके, वन शॉर्मा, चिकन शॉर्मा, हाउ मच, हाउ मच, 270, ओके। तो भाई ये है एक शॉप यहाँ स्ट्रीट पे, ये शॉर्मा दे रहे हैं 270 का। भाई यही सही है, मैं डिनर भी यहीं कर लूँगा। रेट्स देख सकते हो, ठीक ठीक है इनके पास, मतलब अपने खाने लायक चीज़ें। चिकन, ओके, चिकन, या चिकन। एट व्हाट टाइम यू क्लोज, क्लोज टाइम, क्लोजिंग टाइम शॉप, क्लोजिंग टाइम, या व्हाट टाइम, थ्री ए एम, ओके, स्पासिबा। देखो भाई, इतनी बड़ी रोटी है, इस रोटी को ये बना रहे हैं, इसमें वैसे काफ़ी इनफ रहेगा एक बंदे के खाने के लिए आराम से। भाई 270 रुपए का है, खा सकते हैं, मतलब रूबल का पास। भाई 270 रुपए का बुरा नहीं है, इंडिया में भी 100 रुपए तक आता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 270 का तो क्या हुआ, काफ़ी बड़ा सा है, हैवी सा, तो खाता हूँ फिर टेस्ट बताता हूँ कैसा था। देखो यार, अंदर से कुछ ऐसा है लेकिन थोड़ा सूखा सूखा है, और प्लस क्या बात, फीका है, इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं आया, जैसे इन्होंने नमक वमक भी नहीं डाला हुआ इसमें। एक तो रशियन लोग बहुत ज़्यादा फीका खाना खाते हैं, भाई इंडियंस चटपटा खाते हैं, तो बहुत फीका है, बट वैसे ठीक है इस रेट में, भाई पेट भरने के लिए बहुत है। तो भाइयों, खा लिया मैंने शॉर्मा, ये रोटी इसकी थोड़ी सी मतलब कच्ची कच्ची सी थी, ये लोग ना ज़्यादा पकाते नहीं है चीज़ों को, चिकन भी पूरा पका हुआ नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे अगर शॉर्मा खाओ तो बिल्कुल वेल्ड कुक्ड होता है, मतलब वो अच्छे से उसे वो ग्रिल करके रखते हैं, उसके बाद सर्व करते। इधर क्या, थोड़ा सा हाफ डन खाते हैं ये लोग खाना। चलो कोई बात नहीं, पेट तो भर गया, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर भाई ठीक था। चलो हो गया, मैं जा रहा हूँ यार हॉस्टल में, फिर शाम को निकलूँगा आके नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने वो डीमा भाई के साथ। चलो फिर यार, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, फटाफट से 100K कर दो, फिर आप भी आ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।